बिल्कुल शुरू करते हैं। हम लोग मादनी दवाएं पढ़ रहे हैं और हमने पढ़ी थी एक मादनी दवा जिसका नाम है चांदी। तो आज चांदी ही से ही मिलती जुलती दवा पढ़ते हैं जिसका नाम है सोना। ठीक है, सोना तो आम जबान में बोलते हैं गोल्ड, लेकिन उसका असल नाम जो है वो है तिब में वो जो बोला जाता है वो है तिला। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि सोना जो है वो हिंदी का नाम है, असल अरबी जबान में या फारसी जबान में इसको तिला नाम से जो बोला जाता है। तिला जो है वो फारसी में बोलते हैं, हिंदी दोनों अरबी दोनों में इसको तिला बोला जाता है। उसके अलावा फारसी जबान के या अरबी जबान के मुतरादिफ है, लेकिन जो सबसे ज्यादा कॉमन है, सबसे ज्यादा बोला जाता है वो है तिला। ठीक है, इसको अब मुतरादिफात पढ़ते हैं। इसको मुख्तलिफ जबानों में किन किन नामों से जाना जाता है, तो इसको अंग्रेजी में गोल्ड कहते हैं, इसका सिंबल जो होता है वो AU होता है। फारसी जबान में इसको जर कहते हैं, अरबी जबान में जहब कहते हैं, और हिंदी जबान में इसको सोना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसको अंग्रेजी में येल्लो मेटल भी कहा जाता है। ठीक है, पीली धात, येल्लो मेटल, क्योंकि सोना सभी को मालूम है कि सोने के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि येल्लो कलर का होता है, गोल्डन कलर का होता है, कैसा होता है, क्या नहीं होता है, तो सबको मालूम है। देख सकते हैं हम कि येल्लो कलर का यानी कि गोल्डन कलर ही बोला जाता है कि गोल्डन कलर का होता है। ठीक है, एक कीमती मेटल है। कहां से हासिल होता है? खदान से खोद कर हासिल किया जाता है जमीन को, लैब में आर्टिफिशियल नहीं तैयार किया जा सकता सोने को। ठीक है, तो बदल ये सोने के मुतालिक जो है इसके मुतारादिफात है, याद रखिएगा। इसको अरबी फारसी जबान में किला नाम से भी जाना जाता है, अरबी जबान में जहब, और फारसी जबान में इसको जर नाम से जाना जाता है, हिंदी में इसको सोना कहते हैं। अब अगर इसकी माहियत की बात किया जाए तो सबको मालूम है कि ये बहुत मशहूर है, फेमस है, चमकदार होता है, गोल्डन कलर का होता है यानी कि येल्लो कलर का होता है, और एक मेटल होता है जो हासिल कहाँ से होता है? कानों से हासिल होता है, यानी कि मादिन से, खदानों से, माइन से हासिल किया जाता है। और जितनी भी मेटल्स हैं, ज्यादातर मेटल्स से ये अशरफ है। अशरफ माने होता है, अशरफ माने होता है ऊपर। ठीक है, बड़ा बुलंद, अशरफ माने होता है बड़ा बुलंद, यानी कि ऊंचा है, उससे ज्यादा अहमियत रखता है। तो दूसरी चीजों से जो सबसे ज्यादा अहमियत रखती है उसको बोला जाता है, ये तमाम चीजों से अशरफ है। तो ये जो और दूसरे मेटल्स हैं उनसे बेशतर, ज्यादातर, तमाम मेटल्स में नहीं, आजकल जैसे कुछ मेटल्स हैं वो इससे भी ज्यादा कीमती होते हैं। ठीक है, जैसे प्लेटिनम, वो इससे ज्यादा कीमती है। तो ये जो, लेकिन जो कॉमन है, जो और बहुत से मेटल्स हैं उनसे ज्यादा अशरफ है, यानी कि उससे ज्यादा महंगा है। उसके अलावा सबसे खास बात इसकी ये है कि ये किसी भी हवा से, नमी से मुतासिर नहीं होता, इफेक्ट नहीं होता। चांदी जो होती है वो नमी से मुतासिर हो जाती है, और अगर उसमें नमी लगती है तो चांदी जो होती है वो काली पड़ जाती है, वो हरी हो जाती है। लेकिन सोने की खासियत ये है कि सोने को आप पानी में डाल के रख दीजिए, सोने को चाहे जैसी हवा हो, चाहे वो नमी वाली हवा हो या बगैर नमी वाली हवा हो, इसकी चमक के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि चांदी जो होती है उसमें उसकी चमक जो होती है वो फर्क आ जाता है उसकी चमक में। ठीक है, तो ये सबसे खास बात है कि बैरूनी हवा से मुतासिर नहीं होता। ये अलिफ छूट गया है तो यहाँ पे लगा लीजिएगा, मुतासिर नहीं होती है। उसके अलावा इसी, और क्योंकि बैरूनी हवा से यानी कि किसी भी तरह से हवा से ये मुतासिर नहीं होती, इसकी वजह से इसकी चमक जो है वो सालों साल बरकरार रहती है, कोई फर्क नहीं आता। और फिर सोने का इस्तेमाल जो है मुख्तलिफ किस्म के गहने बनाने के लिए या बर्तन बनाने के लिए भी किया जाता है। पहले जमाने में सोने के भी बर्तन चलते थे। अब बात करते हैं इसकी मुद्दत हयात की। तो भैया सोना है, सालों साल खराब नहीं होता, हजारों साल पुराना खजाना लोग ढूंढा करते हैं। क्यों ढूंढा करते हैं? क्योंकि उसकी अफादियत हमेशा बरकरार रहती है, उसकी वैल्यू कभी कम नहीं होती, ये दवा कभी खराब नहीं होती है। अब बात करते हैं इसके मकाम पैदाइश की। तो कहाँ होता है? अरब ममालिक की खदानों से सोना हासिल होता है, अमरीका से हासिल होता है, अफ्रीका से हासिल होता है, और हिंदुस्तान में कर्नाटक में जो है सोने की कई खदाने हैं, वहां से सोना खोद कर हासिल किया जाता है। अगर मिजाज की बात किया जाए तो सोने का मिजाज मोतदिल होता है, लेकिन हल्की सी गर्मी इसमें पाई जाती है। वैसे होता जो है ये मोतदिल है ना, इसमें कोई बड़ी भी खिल्त नहीं होती, लेकिन हाँ अगर आप पढ़ो कि मोतदिल जैसी तो कोई चीज ही नहीं होती, कोई ना कोई इफेक्ट तो होगा ही, कोई ना कोई मिजाज तो होगा ही। तो खाली गर्म होता है हल्का सा कोई, और उसके साथ कोई कैफियत मुनफाला नहीं पाई जाती, यानी कि खुश्क तरी ये सब नहीं पाया जाता, खाली सोने के अंदर हल्की सी गर्मी पाई जाती है। ठीक है, बात करते हैं इसके नफे खास की। तो सोना जो होता है दिल और दिमाग के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है, आपने सुना होगा
चांदी दे तन को शक्ति, सोना दे मन को शक्ति, ऐसी कुछ ऐड आता था पहले च्यवनप्राश का। तो बहरहाल सोना जो है वो दिल के लिए और दिमाग के लिए दोनों के लिए ही, दोनों ही ऑर्गन के लिए बहुत ही ज्यादा मुफीद है। दोनों ऑर्गन के क्या लिए, बदन में जितने भी वाइटल ऑर्गन है, दिल, दिमाग, जिगर, खुशियतैन यानी कि टेस्टिस, इन चारों ऑर्गन्स को ये दवा ताकत देती है और इन चारों ऑर्गन्स की बीमारी में इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेन इसका जो फंक्शन है वो ये है कि ये दवा मुपर्रे और मुकव्विय कल्ब होती है यानी कि कार्डियक स्टिमुलेंट भी होती है और कार्डियक टॉनिक भी होती है। ठीक है, उसी के आगे अब इसके अंदर फंक्शन क्या क्या पाया जाता है। यह दवा मुफर्रे कल्ब होती है यानी कि कल्ब को स्टिमुलेट करती है, कार्डिक स्टिमुलेंट होती है। यह दवा मुकव्विय कल्ब होती है, मुकव्वी माने ताकत देने वाला होता है और कल्ब के माने दिल के होते हैं। यह दवा दिल को ताकत देती है। यह दवा मुकव्वी आजाए रईसा होती है यानी कि आपकी बॉडी में जितने भी वाइटल ऑर्गन है तमाम वाइटल ऑर्गन को यह दवा ताकत देती है। चूंकि ये दवा मुपर्रे कल्ब होती है, मुकव्विय कल्ब होती है, मुकव्वी आज़ाए रईसा होती है, इसी वजह से इस दवा का इस्तेमाल हम कर सकते हैं ज़ोफ़े कल्ब की सूरत में। ज़ोफ़ माने कमजोरी के होते हैं और कल्ब के माने दिल के होते हैं, दिल की कमजोरी की सूरत में इस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। खफ़ान की सूरत में यानी कि पालपिटेशन की सूरत में इस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। वहशत की सूरत में जब मरीज को डर लग जाता है, बहुत ज्यादा डर जाता है, तो उस कंडीशन को बोला जाता है वहशत, वहशत में किया जा सकता है। ज़ोफ़े दिमाग की सूरत में यानी कि दिमाग की कमजोरी की सूरत में किया जा सकता है और मालन खोलिया की सूरत में यानी कि जो भी एक दिमागी अमराज है पागलपन वाला, उस मर्ज में भी इस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये इसके अफाल और कुछ इस्तेमालात थे। उसके अलावा इस दवा के अंदर फंक्शन पाया जाता है कि ये दवा मुकव्वी बाह होती है यानी कि सेक्सुअल पावर को बढ़ाती है। साथ ही साथ ये दवा मुअल्लिद मनी भी होती है। मुअल्लिद माने होता है तौलीद करने वाला यानी कि प्रोडक्शन को करने वाला। तो ये दवा जो है मनी के प्रोडक्शन को बढ़ा देती है। साथ ही साथ ये दवा मुगल्लिज मनी भी होती है। मुगल्लिज के माने होते हैं गलीज करने वाला यानी कि गाढ़ा करने वाला। ये दवा सीमेन को गाढ़ा भी कर देती है। तो ये दवा मुकव्वी बाह होती है, ये दवा मुअल्लिद मनी होती है और साथ ही साथ ये दवा मुगल्लिद मनी भी होती है। ठीक है, मुगल्लिद मनी यानी कि सीमन थिकनर। तो ये दवा क्योंकि मुकव्वी बाह होती है, मुअल्लिद मनी होती है और मुगल्लिद मनी होती है, लिहाजा इस दवा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं सूरत अंजाल की सूरत में। सूरत माने जल्दी के होते हैं, अंजाल माने इजैकुलेशन के होते हैं। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की सूरत में इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दवा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं रबकते मनी की सूरत में यानी कि मनी सीमेन के पतला होने की सूरत में। इस दवा का इस्तेमाल आप कर सकते हो एहतलाम की सूरत में यानी कि नक्टर्नल इमिशन ऑफ सीमेन की सूरत में। और इस दवा का इस्तेमाल आप कर सकते हो ज़ोफ़ेबाह की सूरत में यानी कि लॉस ऑफ लिबिडो या लिबिडो पावर की कमी की सूरत में। ठीक है, सब बातें कई बार बार रिपीट कर चुका हूँ तो हमें नहीं लगता किसी को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। अब आगे पढ़ते हैं। इस दवा के अंदर एक और फंक्शन पाया जाता है कि मुअल्लिद व मुसफ्फी इखलात होती है। इखलात माने क्या होता है, दम, बलगम, सफरा और सौदा, तीन चारों चीजों को एक साथ बोला जाता है इखलात। तो ये दवा जो भी चारों खिल्त हैं उनमें कोई भी खराबी होगी तो उसको दूर कर देती है, मुसफ्फी होती, साफ करने वाली होती है। और मुअद्दिल के माने होते एतदाल पर लाने वाली दवा, ऐसी दवा जो किसी भी चीज को, किसी भी खिल्त को एतदाल पर लिया यानी कि वो खिल्त पतली थी तो उसको गाढ़ा कर दिया, वो खिल्त गाढ़ी थी तो उसको पतला कर दिया यानी कि कुल मिला के कोई भी दवा, कोई भी खिल्त को एतदाल पर, एतदाल के माने क्या होते हैं, एतदाल के माने नॉर्मल पे होते हैं, ऐसी दवा, बहुत कम फंक्शन होता है ये दवाओं में, बहुत कम दवाएं ऐसी होती हैं, ऐसी दवा जो उस खिल्त के अंदर की खराबी को दूर करके उसको नॉर्मल ले आए, नॉर्मल पर ले आए, एतदाल पर ले आए, उसको बोला जाता है मुअद्दिल। मुअद्दिल के लिए अंग्रेजी में लग इस्तेमाल किया जाता है मॉड्यूलेटर। तो ये दवा मुअद्दिल होती है यानी कि एतदाल पर लाती है, साथ ही साथ ये दवा मुसफ्फी इखलात भी होती है यानी कि इखलात को साफ भी करती है। उसके साथ ही साथ ये दवा नाफे सिल व दिक होती है। सिल के माने होते हैं पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के और दिक के माने होते हैं कहीं की भी टीबी हो। ठीक है, जनरलाइज टीबी को, ट्यूबरक्लोसिस को बोला जाता है दिक, और स्पेशली कह दिया गया क्योंकि सबसे ज्यादा टीबी फेफड़े में होती है, इसलिए बोल दिया गया कि फेफड़े की टीबी को पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस बोला जाए, सिल बोला जाएगा। ठीक है, बाकी इंटेस्टाइन की टीबी हो या किसी भी ऑर्गन की टीबी हो तो उसको हम लोग दिक बोलते हैं। आज आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, बताइएगा किस ऑर्गन में टीबी नहीं होती। बॉडी का एक ऑर्गन है जहां पे टीबी नहीं होती, कौन सा ऑर्गन है। ठीक है,
जरा सा दिमाग लगाइएगा, अपनी पैथो की नॉलेज चेक करिएगा, फिर मैसेज करिएगा, ठीक है। तो ये दवा मुआद्दिल होती है, यानी कि मुआद्दिल व मुसफ्फी अखलात होती है, यानी कि खिल्त के अंदर की जो भी खराबी है उसको दूर करती है और उसको एतदाल पर लाती है और खिल्त की सफाई भी करती है। और उसके अलावा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस यानी कि सिल और कहीं की भी जनरलाइज्ड ट्यूबरक्लोसिस में ये दवा आराम पहुंचाती है। इस वजह से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है फसाद अखलात की सूरत में, यानी कि अखलात की खराबी की सूरत में, अखलात की कमी की सूरत में, मर्ज सिल की सूरत में यानी कि पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की सूरत में, और दिक की सूरत में यानी कि जनरलाइज टीबी की सूरत में। उसके अलावा इस दवा के अंदर फंक्शन पाया जाता है कि ये दवा मुकव्विय बदन होती है, यानी कि बॉडी को ताकत देती है। इसी वजह से इसका इस्तेमाल किया जाता है आम जिस्मानी कमजोरी की सूरत में, यानी कि जनरलाइज बॉडी वीकनेस को दूर करने के लिए भी इस दवा का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं कि इस दवा का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। तो जैसे चांदी का इस्तेमाल करते थे उसी तरह सोने का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके वरक बना लिए जाते हैं, यानी कि इसको पतला पतला पीस कर खूब पीट कर सॉरी पीस कर नहीं पीट कर खूब पतला पतला पीट कर इसका पतला पतली सी लेयर बना लिया जाता है, जिसको सोने का वरक या वरक तिला कहते हैं, ठीक है। इसका वरक बना लिया जाता है और उसको मुरक्कबात में शामिल करके या ऐसे ही जो है लपेट कर खा लिया जाता है। उसके अलावा इसको जला दिया जाता है, सोने को इतना ज्यादा जलाया जाता है, इतना ज्यादा जलाया जाता है कि वो जलकर सफेद हो जाता है। तो उसके बाद उसका कुश्ता बना लिया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है। कल किसी ने पूछा था कि जब सोने को जलाएंगे तो पिघल जाएगा, हाँ बिल्कुल पिघलेगा। पहले क्या करते हैं, इसको ऐसे नहीं जलाते कि मेटल में डाल गया जल गया, इसको एक मिट्टी की प्याली में, जैसे दिया वाली प्याली होती है मिट्टी की, उसी तरह की प्याली होती है, उसको बोलते हैं बोता, बोता बेवावते है बोता। तो बोते में रख दिया जाता है, फिर उसके ऊपर से भी ढक दिया जाता है, यानी कि दो प्याली के बीच में रखा, एक प्याली नीचे रखी उसमें सोने को रखा, फिर उसके ऊपर दूसरी प्याली रख दी और फिर उनके ज्वाइंट के ऊपर मिट्टी लपेट दी जाती है और फिर उसको आग में भट्टी में डाल दिया जाता है। और भट्टी में डाल दिया जाता है तो वो जलेगा भाई, गर्म होगी प्याली तो जलेगा, जाहिर सी बात, जल जल तो पहले पिघलेगा, पिघलने के बाद वो एकदम राख की तरह जल जाता है, इतना ज्यादा उसको जलाया जाता है, ठीक है, कई दिन तक आग दी जाती है। तो उसके बाद जल जाता है, जल के बिल्कुल राख हो जाता है और जली हुई राख हो जाई हुई दवा जो है वो कहलाती है कुश्ता। इसका कुश्ता बनाकर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा इसका बुझा पानी भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इसको गोल्ड को गर्म करेंगे और पानी में बुझा देंगे, फिर उस पानी का इस्तेमाल हम लोग बतौर दवा कर सकते हैं। मुर्दार खुराक यही भी बता देते हैं कि इसको अगर डोज, इसको कुश्ता इस्तेमाल करना होगा तो उसकी मुर्दार खुराक है 250 मिलीग्राम, कितनी 250 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम या 125 मिलीग्राम, 125 to 250 मिलीग्राम। बुझा पानी इस्तेमाल करना होगा तो 1 तोला यानी कि 10 से 12 ml। अगर वरक इस्तेमाल करना होगा तो इसका वरक इस्तेमाल किया जाता है 0.5 ग्राम यानी कि आधा ग्राम तक, ठीक है, आधा ग्राम तक वरक इस्तेमाल कर सकते, ठीक है, लिखा हुआ है निस्फ माशा, वरक की मिकदार लिखी हुई है निस्फ माशा यानी कि आधा माशा तक इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं केमिकल कंपाउंड की, तो भैया गोल्ड है तो गोल्ड के अंदर सिर्फ गोल्ड ही पाया जाता है, एक केमिकल है गोल्ड, एक एलिमेंट है गोल्ड, गोल्ड नाम का एलिमेंट इसके अंदर से मिलेगा। अब बात करते हैं इसके मुदर असरात की, यानी कि इस दवा के नुकसान क्या है, इसके दवा के साइड इफेक्ट क्या है। तो ये दवा मसाने को यानी कि ब्लैडर को नुकसान पहुंचाती है। अब बात करते हैं मुसले की, इस दवा का मुसले क्या है, करेक्टिव क्या है। तो इसका करेक्टिव है शहद या शकर, यानी कि सोने का कुश्ता बना लीजिए उसको शहद के साथ खिलाइए तो मरीज को कोई नुकसान कोई साइड इफेक्ट नहीं आने पाएगा। अब बात करते हैं इसके बदल की, तो बेबदल है, बेबदल यानी कि कोई बदल नहीं, सोने का कोई बदल नहीं, सोने जैसा कोई नहीं, ठीक है, गाना आया था सोना कितना सोना है, ठीक है, तो सोने जैसा कोई नहीं है, ठीक है, जैसे आप लोगों की नींद, नींद से प्यारा कुछ नहीं है, उसी तरह नींद का बदल कोई नहीं है ना, सोने का बदल कोई नहीं है, उसी तरह याद रखिएगा कि गोल्ड का भी बदल कोई नहीं है। अब बात करते हैं मशहूर मरकब की, तो एक याद रखिएगा कि खमीरा सोना चांदी में इसको शामिल किया गया है, ठीक है, कई मरकबात में शामिल है लेकिन जो मेन है वो याद रखिएगा, खमीरा बनाया जाता है जिसका नाम है खमीरा सोना।